देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित नहीं होगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि फिल्म मध्य प्रदेश में दिखाई जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने कहा है कि फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश में बैन की बात की जा रही है वह पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इधर युवा कांग्रेस ने सिनेमा मालिकों को धमकी दी है कि वे अपने सिनेमा घरों में फिल्म का प्रसारण नहीं करें। अगर वे फिल्म दिखाते हैं तो उससे होने वाले नुकसान के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। उधर कांग्रेस ने फिल्म के कंटेंट को लेकर डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर को नोटिस दिया है। इधर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री का रोल निभाने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि यह फिल्म संजय बारू की पुस्तक पर आधारित है। जब पुस्तक का विरोध नहीं किया गया तो फिल्म का क्यों हो रहा है? बिना देखे कांग्रेस विरोध नहीं कर सकती। खेर ने कहा कि जब मनमोहन सिंह फिल्म देखेंगे तो वे खुश होंगे और हमें चाय पर बुलाएंगे।